सड़क से संसद तक हम पूछेंगे सवाल, हर जुल्म के खिलाफ हम लड़ेंगे आपके साथ, हर खबर पर है पैनी नजर, खबर होगी वही जो करेगी आपको सबसे रूबरू। पल पल की खबर नेशन न्यूज इंडिया 24 पर। नमस्कार, NNI 24 में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश खिदमत है आज की कुछ खास खबरें। पत्रकारों में एकजुटता एवं भाईचारगी को मजबूत बनाने के उद्देश्य से यूपी जर्नलिस्ट एसोसिएशन बहराइच की नानपारा तहसील अध्यक्ष मनोज टेकड़ीवाल द्वारा होली मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भारी संख्या में जिले के पत्रकारों के अलावा नानपारा, मीरपुरवा, बाबागंज व रुपयडीहा के पत्रकार उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में जहाँ मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय नवनिर्वाचित विधायक वह अपना दल के विधायक दल के नेता राम निवास वर्मा तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा व महामंत्री महेश गुप्ता भी उपस्थित रहे। इस दौरान लखनऊ से आए हुए ऑर्केस्ट्रा द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किया गया। कार्यक्रम के शुरुआती दौर में जिला अध्यक्ष समेत समस्त पत्रकारगणों ने मुख्य अतिथि का माल्यार्पण कर स्वागत किया। बहुत बड़े समाज से उनका नाता बहुत ज्यादा है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया और हम सभी लोगों को यहां पर एक साथ में बुलाने की कोशिश की। आज जरूरत है इस बात की कि हम अपनी बात को सरकार तक, अपने विधायक तक, अपने सांसद तक पहुंचाएं। और वो अगर बात पहुंचती है तो हमारे मीडिया कर्मी और पत्रकारों के द्वारा ही पहुंचती है। आपका योगदान इस समाज में बहुत ज़्यादा है। हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आप इसी तरीके से लगे रहिए, डटे रहिए और लोकतंत्र को मजबूत करते रहिए, इस समाज को मजबूत करते रहिए और इस देश को मजबूत करते रहिए। मैं बहुत सारी बातें न करके मैं अपने माननीय विधायक जी को आमंत्रित करना चाहता हूं कि वो अपने मुखारविंद से दो शब्द कह करके हमारे पत्रकार बंधुओं को अनुग्रहित करें। धन्यवाद। आज इस होली मिलन समारोह में इसके आयोजक मनोज टेकड़ीवाल जी, अभिलाष श्रीवास्तव जी, दीपक श्रीवास्तव जी और उत्तर प्रदेश वेलफेयर एसोसिएशन, पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष श्री गोपाल शर्मा जी, धर्मेंद्र जी, संरक्षक मीडिया वेलफेयर जगदीश श्रीवास्तव जी, रामस्वरूप अग्रवाल जी, अजय गुप्ता जी नगर अध्यक्ष, अभिलाष श्रीवास्तव जी, सत्य प्रकाश गुप्ता जी, महेश गुप्ता जी, संजय गुप्ता जी, आनंद प्रकाश श्रीवास्तव जी और यहाँ बैठे सभी नगर के प्रतिष्ठित गणमान्य साथियों, बहुत ही रहा है कि आप सब लोगों ने नानपारा की जीत ही नहीं, उत्तर प्रदेश में पुनः योगी जी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनाने के लिए आप सब ने बहुत ही, हमारे सभी पत्रकार साथियों ने बहुत ही पत्रकारिता के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से जन जन तक योगी जी की और मोदी जी के नीतियों तक पहुंचाया। इसके लिए हम उन सभी पत्रकार साथियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।
अभी हमारे नगर अध्यक्ष जी ने कहा कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ समाज के सभी क्षेत्रों के बारे में, सभी लोगों के बारे में सोचने का काम जितना हमारे पत्रकार साथी करते हैं शायद कोई नहीं करता, क्योंकि हम सब लोग कहीं ना कहीं अपने सभी कार्यों में व्यस्त रहते हैं और हमारी निगाह और हमारी सोच वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। वो दायित्व का निर्वहन हमारे पत्रकार बंधु, हमारे पत्रकार साथी करते हैं। बहुत सी बातें हम उन्हीं के माध्यम से अपने तक पहुँच पाते हैं। कोई भी राजनेता, कोई भी सरकार और कोई भी समाज तभी आगे बढ़ता है जब उसको सही और गलत का आभास हो, और ये काम केवल पत्रकार साथी करते हैं। तो एक तरीके से और राष्ट्र के सबसे सजग प्रहरी के रूप में राष्ट्र की सीमाओं का जैसे दायित्व हमारे फोर्सेस करती हैं और नागरिक सुरक्षा का दायित्व हमारा पुलिस महकमा करता है, वैसे ही नागरिक और देश की, राष्ट्र की चिंतन का काम और उसको सही रास्ते पर लाने का काम हमारे पत्रकार साथी करते हैं। जितना कुछ कहा जाए उतना ही कम। मैंने देखा इस चुनाव के दौरान बहुत सी धारणाएं, बहुत से मिथक आप सब लोगों ने, सभी सम्मानित नागरिकों ने और सभी सम्मानित मतदाताओं ने उन धारणाओं को और उन मिथक को तोड़ने का काम किया, जो एक किद्वंती बन चुके थे कि हम चाहे जिस रूप में आएंगे, चाहे जिस रूप में बहुरूपीय बन के आएंगे, हमें कोई हराने वाला नहीं है। मैंने बहुरूपीय शब्द इसलिए इस्तेमाल किया कि जो बार बार अपना चोला बदले उसकी संज्ञा भी यही होती है। विगत 10-15 सालों में यही हो रहा था, उसमें ना तो मतदाताओं का दोष था और ना हमारे कार्यकर्ताओं का, उनके पास विकल्प नहीं था। बने कि आपकी ताकत हमारा आत्मबल बढ़ाएगा और आपकी आवाज़ को हम सदन के माध्यम से और अपने जो अधिकार हैं विधायिका के माध्यम से, एज ए विधायक जो भी हमारे अधिकार हैं उन सब का सही दिशा में उपयोग करते हुए इस नगर के साथ साथ पूरे क्षेत्र के विकास के लिए मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। और चुनाव की प्रक्रिया समाप्त होते ही बहुत सी चीज़ें जो अभी पड़ी हुई थी धीरे धीरे एक एक करके शुरू भी हो गई हैं। जैसे कहीं नानपारा में सादत इंटर कॉलेज का पुनर्निर्माण हो रहा है, गड़ी मटिया ये जो तकिया घाट है उसका काम शुरू हो गया है, तमाम ऐसे काम हैं। 25 तारीख को नई सरकार का गठन होगा, अभी सदस्य विधान परिषद का चुनाव होना है, ये तमाम जो है ये सब प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद मैं समझता हूँ नया बजट सत्र आएगा अप्रैल से, और आप सबके आशीर्वाद से, नानपारा के सभी मतदाताओं के आशीर्वाद से जो मुझे नेता विधानमंडल दल चुना गया है वो एक बहुत ही उचित अवसर मिला है, उस अवसर का सही उपयोग करते हुए मैं पूरी कोशिश करूँगा। परम आदरणीय इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सानिध्य में बैठने का मुझे सौभाग्य मिलेगा और उस सौभाग्य को बिल्कुल सौभाग्य के रूप में ही बदल करके नानपारा के विकास के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। इसी के साथ, क्योंकि अब आप लोगों ने बहुत ही हर्षोल्लास के इस शुभ अवसर पे बिल्कुल आनंद पूर्वक बिल्कुल ही नए रूप में इस शाम को बहुत
अजय गुप्ता सभासद जी से हमारा अनुरोध है कि माननीय विधायक जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। ले आप ले लीजिए।